बीते दिन गायब हुए बच्चे आयुष तिवारी का शव उसके पड़ोस के घर से बरामद हुआ। बच्चे के हाथ पैर बांधकर निर्दयता के साथ मारा पीटा गया, जिससे बच्चे की मृत्यु हो गई। आरोपियों की मंशा उसके परिवार से 5 लाख रुपए फिरौती मांगने की थी। ये पूरी घटना लालगंज कोतवाली क्षेत्र के सेमरी गांव की है। पुलिस ने एक हत्या आरोपी को गिरफ्तार किया। पूरा मामला रायबरेली का है, जहां अपने नानी के घर आए एक बालक का हाथ पैर बांध बेरहमी से गला घोटकर हत्या कर दी गई। पुलिस की शुरुआती जांच के बाद हत्या के आरोप में पड़ोसी युवक को दबोचा गया। इसी के घर से पुलिस ने बालक का शव बरामद किया। लालगंज के सैम्बसी गांव में बुधवार की सुबह गायब हुए बालक का बगल के ही घर में शव पड़ा मिला। गला घोटकर हत्या कर दी गई, हाथ पैर रस्सी से बंधे। हत्या के आरोप में पड़ोस में ही रहने वाले आशुतोष अवस्थी को पुलिस ने हिरासत में लिया। मध्य प्रदेश के ग्राम गजबासौदा जिला विदिशा निवासी आयुष तिवारी अपनी मां रूपाली तिवारी के साथ एक हफ्ते पहले नाना कृष्ण कुमार मिश्रा के घर सैम्बसी आया। बुधवार की सुबह वो पड़ोस के बच्चों के साथ खेलने निकला, लेकिन वापस नहीं लौटा। काफी खोजबीन के बाद पता नहीं चला तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने रात में गांव के घरों की तलाशी लेना शुरू कर दी। लालगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पड़ता है समेसी, यहां के रहने वाले हैं छोटू मिश्रा सना कृष्ण कुमार मिश्रा। कल ये लगभग 7:30 बजे लालगंज कोतवाली में आया और इनके द्वारा बताया गया कि इनका भांजा आयुष तिवारी, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, सुबह 9 बजे से नहीं मिल रहा है। इस सूचना पर लालगंज कोतवाली द्वारा तत्काल FIR पंजीकृत किया गया और बच्चे की बरामदगी हेतु 3 पुलिस की टीमें गठित की गई और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान ही इनके पड़ोसी आशुतोष अवस्थी पर संदेह व्यक्त किया गया, पुलिस भी उन पर संदेह की और उनको कड़ाई से पूछताछ हेतु थाने लाया गया। जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि आयुष तिवारी को पैसे की लालच में ले जा करके गला घोंट करके मार डाला गया है। उसकी निशादेही पर शव को बरामद किया गया। मौके पर उच्च अधिकारियों का निरीक्षण किया गया, हमारी फील्ड यूनिट की टीम भी गई थी और जितने भी एग्जिबिट थे, प्रदर्श थे, उनको कलेक्ट किया गया था। इस संदर्भ में पहले से ही अभियोग पंजीकृत है और अभियुक्त की गिरफ्तारी करते हुए अन्य लोगों की संलिप्तता के संबंध में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है और इस संबंध में आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।